हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया मल्टी ब्लॉग। आई एम सुलेखा फ्रॉम इंदौर। आज मैं आप लोगों को घर पर ही होममेड ओरिगेनो बनाना बताऊंगी। ये वही ओरिगेनो पत्ती हैं जो हम डोमिनोज के पिज़्ज़ा, जिंगी पार्सल और बहुत सारी जो हमारी बेकरी के आइटम रहते हैं जिनमें हम इनको स्प्रिंकल करके खाते हैं, तो मैं आपको घर पर ही बहुत ही नेचुरल तरीके से ओरिगेनो बनाना बताऊंगी। तो आप भी इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखिए और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सेम वही टेस्ट है जो हम लोग पिज़्ज़ा पे खाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमको क्या लेना है। ये मैंने ले लिए हैं अजवाइन लीफ। ये वही अजवाइन लीफ हैं जो हम लोगों के घर में जो प्लांट रहते हैं, मैंने इसको पानी से धो के और फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो एक पैन रख लेंगे गैस पर, इस तरीके से गैस जला के सारी पत्तियों को तवे पर, कढ़ाई में या इस तरीके से पैन में बिछा देंगे और हल्के हल्के हाथों से दबा दबा के इसको सेकना है जब तक इसका पूरा मॉइस्चर ना सूख जाए, क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है। तो इस प्रोसेस को सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छे से पानी इसका सूख जाता है। तो देखिए पत्तियां बिल्कुल सूख गई हैं। ये बिल्कुल इंस्टेंट प्रोसेस है, तो आप इसी को कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं पत्तियां। तो मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद। मैंने पत्तियों को निकाल लिया है और इसको बिल्कुल हम क्रश कर देंगे। अगर आप इस प्रोसेस को मेरी तरह करेंगे तो 5 मिनट में बन जाएगी। अगर आप इसको धूप में सुखाएंगे तो 4-5 दिन इसको धूप में सूखने में लग जाएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ घर पर ओरिगेनो बनाना, अगर आपके घर में अजवाइन का प्लांट है तो आप बना लीजिए और ये अजवाइन प्लांट बहुत आसानी से लग